हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक आई वाज नॉट फ्री टू रिकॉर्ड माय यूट्यूब लेक्चर्स, बट नाउ आई हैव मैनेज्ड माय टाइम एंड आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर फॉर यू। So today I will share with you about Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. So Newton was a scientist. He gave his three laws that are known as the first law of motion, second law of motion and third law of motion of Newton. Firstly, I will introduce you that who is Newton. Full name of Newton is Sir Isaac Newton. He was born in 1642 and died in 1727. He was able to state rules describing the effect of forces on motion of objects that are still true today. These rules are known as Newton's laws of motion. सो बेसिकली न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तीन लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब ये जो लॉज ऑफ मोशन थे वो बेसिकली डिपेंड करते थे ऑब्जेक्ट्स पे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम फोर्स लगाएं और वो मोशन में आए, तो उसके ऊपर न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। So let's start first law of motion. Newton's first law of motion is also known as law of inertia. Newton ke jo first law of motion ko law of inertia ka naam bhi diya gaya hai. Ab aapke mind mein aaya hoga ki inertia kya hai, what is inertia. So before starting Newton's first law of motion, that is also known as the law of inertia, I will tell you the definition of inertia. Inertia is the tendency of an object to stay at rest or preserve its state of motion. Inertia किसी भी object की वो tendency होती है जो object को rest में रखे या object को move कराए, यानी object को या तो rest में रखे या उसको motion में move कराए, तो उसको हम कहते हैं कि इस object में inertia है। और inertia उस object में पाया जाता है जिस object का कोई mass होता है। ऑफ कोर्स अगर मास होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा और तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी वो मोशन में आएगा। सो नाउ आई थिंक आपको इनर्शिया का टॉपिक क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसकी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कीप्स मूविंग एट दैट वेलोसिटी अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कांस्टेंट वेलोसिटी का। कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है, वो सही से मूव नहीं कर पाता, वो मीन पोजीशन पे ही होता है। जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगती वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज बराबर हों, यानी इक्वल हों, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई है। व्हेन एवर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये है कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे ही रहता है, अपनी मूवमेंट शो नहीं करता, यानी उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। जब तक कि ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगती ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पे देखें बॉडी रेस्ट में है, यानी वो अपनी मीन पोजीशन पे है। तो रेस्ट में तभी आई है क्योंकि बॉडी में मास भी है और इनर्शिया भी है। इस वजह से इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है।
इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगती, वो अपनी मूवमेंट नहीं शो करेगा और वो अपनी मेन पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट में ही होगा और तब तक कोई फोर्स नहीं लगती वो अपना मोशन जो है वो चेंज नहीं करेगा. इसमें है कि बॉडी या तो रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही होगी जब तक फोर्स नहीं लगती, अगर मोशन में है तभी भी वो अपनी मोशन में ही रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगती. सो दिस इज़ नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. आई होप कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर आ गया है, इसकी स्टेटमेंट आपको आ गई होगी. अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स में मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर बॉडी रेस्ट में है तो इट विल ऑलवेज स्टेज एट रेस्ट, अगर मोशन में है तो इट विल ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम वेलोसिटी. अब यहाँ पे देखें, मैंने एग्जाम्पल में शो किया है दो बॉल्स हैं, एक का मास है 300 kg, दूसरे का मास है 30 kg. अब जाहिर सी बात है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है यानी 30 kg, जिस ऑब्जेक्ट का मास देखें यहाँ पे कम है वो है 30 kg, तो इसमें इनर्शिया भी कम है. जिस बॉडी में मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी में मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा. ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया. अब जिसमें ज़्यादा मास है उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगी. इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन. फोर्स, मास और इनर्शिया तीनों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जितना मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी उसको ज़्यादा लगेगा और उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. सो इट इज़ वेरी क्लियर. नाउ सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ और आवर डेली लाइफ. अ सॉक्सर बॉल इज सिटिंग एट रेस्ट. इट टेक्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ टू चेंज इट्स मोशन. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें एक बॉल है, ये रेस्ट में है. अब इस बॉल में जब आप अपनी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो ये बॉल जो है वो अपनी मूवमेंट शो करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करता है. अब मूव किस वजह से किया बॉल ने, क्योंकि इस पर आपने अपनी फोर्स लगाई जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर शो हुई. अब दूसरा एग्जाम्पल देखें. टू टीम्स आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. दे आर बोथ एग्जर्टिंग इक्वल फोर्स ऑन द रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस. दिस अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट्स. एग्जाम्पल में एक दो टीम्स हैं जो कि प्ले कर रही हैं टग ऑफ वॉर. अब दोनों जाहिर सी बातें अपना फोर्स लगाएंगी उस रोप के ऊपर. जब दोनों फोर्स लगाएंगी तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में शो होंगी, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट शो नहीं होगी और जो रोप है वो रेस्ट में आ जाएगी. सो दिस एग्जांपल इज़ आल्सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. I hope you have understood my lecture of Newton's first law of motion. In the next video, inshallah, I will be sharing with you Newton's second law of motion. So please do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. Thank you.